हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने टाइम एंड डिस्टेंस के आगे के क्वेश्चन की ओर, जो कि हम किरण प्रकाशन 8700 बुक से सॉल्व कर रहे हैं। और हमारे टाइप 6 के 10 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिए, और उससे पिछले सवाल भी, पिछले क्वेश्चन भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अगर आप लोगों के पास में बुक है तो प्लीज़ ओपन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड, मतलब 3-3 किलोमीटर के 4 टुकड़े हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है। तदनुसार उस बस की उस दूरी के लिए औसत गति क्या है, क्या थी या क्या है, यह हमें निकालना है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी स्टार्टिंग में, बेसिक में, कि जब भी कभी औसत का क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, जिसमें हमें चालें गिवन होती हैं, तो हमें यूज़ करना होता है टाइम एंड वर्क फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे लेकिन हमें 3 किलोमीटर की दूरी दी है, लेकिन यहाँ पे जो दूरी है ना वो कॉन्स्टेंट है। आप अगर देखोगे गौर से तो 3-3 किलोमीटर के जो दूरी है वो सेम है। जब डिस्टेंस इक्वल होती है दोनों चालों के लिए तो हम एलसीएम वाले से जाते हैं। याद रखना, डिस्टेंस इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उस चाल का एलसीएम ले लेते हैं। 10, 20, 30, 60 हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। जो हमें चालें दी गई हैं, 10 है, 20 है, 30 है और 60 है, 10, 20, 30 and 60, ये हमें चाल दी गई है चार में, ठीक है, चारों खंडों की। अब सबसे पहले एलसीएम क्या कहता है हमारा, 10, 20, 30, 60 का एलसीएम हो जाएगा 60। 10 से 6 बार, 20 से 3 बार, 30 से 2 बार, 60 से 1 बार हो गया। अब क्या करना है, 60 को डिवाइड दे देना इन सब की एफिशिएंसी से। तो 60 को डिवाइड देंगे 6 और 3, 9, 10, 11 और 1, 12। 12 से डिवाइड करते हैं, 12 × 5 = 60, ठीक है। तो यहाँ पे तो औसत चाल आ गई 5, लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट और बोला था कि जितनी चालें होती हैं उतने का मल्टीप्लाई होता है, या फिर जितनी वो दूरी, कांस्टेंट दूरी जितनी बार तय कर रहा है उतने का मल्टीप्लाई, बात वही होती है। तो 1, 2, 3, 4, तो इसमें मल्टीप्लाई कितने का कर दूँ, 4 का। जैसे कि हम नॉर्मली अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो 2 वाले थे, तो हम उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए जिसमें 2 चालें गिवन दी थी, तो उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर 4 चालें तो 4 का मल्टीप्लाई। तो जो औसत चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर, यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस है, इस वजह से हमने ये फॉलो कर ली। फटाफट से नोट कीजिएगा, ओके। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्या बोला गया है देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी बालीगंज से सियालदास तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे से औसत गति से जाती है, 30 किलोमीटर से वापस आती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल सेम है। भाई दो जगह हैं, यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ, अगर मैं बोलूँ आगरा टू दिल्ली और दिल्ली से आगरा, भाई डिस्टेंस तो वही है ना, जैसे मैं जा रहा हूँ वहाँ से आ रहा हूँ, तो इक्वल डिस्टेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दो जगहों के बीच में जा रहे हैं लेकिन चाल अलग है, तो 20 और 30 है, 20 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा जी, 60, 20 + 3 = 60, 30 × 2 = 60, 60 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 5 से, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, लेकिन 12 में अब कितने का मल्टीप्लाई होगा, 2 चाल है, मतलब जा रहा है और आ रहा है, कवर कर रहा है, 2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, इंटू कर देंगे कितने का, 2 का, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24, तो कितना, 24 किलोमीटर पर आवर हमारा जो है आंसर हो जाएगा, समझ गए। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। चाहो तो आप एवरेज स्पीड से भी कर सकते हो, लेकिन ये फंडा जो है 4 डिजिटों, 4 चालों, 10 चालों, 50 चालों, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से बहुत आसानी से हो जाता है,
ठीक है, या फिर आप करना चाहो तो इन दोनों को हम ऐसे भी कर सकते, 2 × 2 × 20 × 30 बट्टे में दोनों चालों का योग, तो 20 + 30। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारा कितना निकल के आएगा, 24 किलोमीटर/आवर। तो लेकिन ये सिर्फ दो चालों के लिए वैलिड रहता है, इसलिए मैं इसे नहीं फॉलो करता हूँ। इसमें क्या होता है, दो चाल हों तो लगाओ, नहीं तो फिर मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर दो चालों के लिए फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 40 × 3 सॉल्व करके देख लेते हैं, 40 × 30 बट्टे में कितना हो गया, 50, 10 से 10 कट गई, 5 × 8 = 40, 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन याद रहे कि ये चार के केस में फॉलो नहीं हो पाएगा। इससे हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखा, 11th वाला, उस पर ये लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो फिक्स रहता है, उसके लिए चेंज करना होगा हमें फॉर्मूला। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा इसे भी। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सिंपल वे से ही सॉल्व करेंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन अपडेट पहुंच जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से, दूसरे 5 मिनट में, ठीक है आगे 5 मिनट में 20 किलोमीटर/घंटे की गति से, कुल 15 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई औसत गति क्या है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो पहले 10 मिनट में दूरी कितनी तय करना है। सबसे पहले हमें क्या पता है, औसत चाल निकालने के लिए दूरी बट्टे समय। ठीक है, अब यहाँ पर 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा, पहले ये देख लेते हैं। तो 10 मिनट के अंदर, जैसे कि मैंने बोला 35 की चाल है और 10 मिनट, तो भाई चाल दूरी निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, हमेशा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मिनट में, लेकिन इसी में चेंज करूँगा किस में, घंटे में, तो बट्टे में आएगा 60, तो कितना हो जाएगा ये, 35/6। अच्छा ठीक है, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, सेकेंड टाइम में क्या कर रहा है ये, सेकेंड टाइम में 20 किलोमीटर/5 मिनट में, तो 20 × कर लेंगे कितना, 5 मिनट है तो बट्टे में कर लेंगे 60 घंटे में के लिए, 5 से काटेंगे कितनी बार, 12 बार, 4 से काट लें, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, तो कितना हो जाएगा, 5/3। ये यहाँ से हमने क्या निकाली, दूरी निकाली। अब कुल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस हम देख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 35/6 + 5/3। अब यहाँ पे एलसीएम लेके इससे देख लेते हैं डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो एलसीएम हो जाएगा 6 और 6 से एक ही बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 + 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें तो 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 45/6। इतना तो हमें क्या हो गया, ये हमारी टोटल डिस्टेंस निकल के आ गई। अच्छा ठीक है, कुल दूरी बट्टे कुल समय ही तो होती है हमारी औसत चाल, तो कुल समय हमें पता है, कुल समय कितना है, 15 मिनट का है, लेकिन 15 मिनट को हमें चेंज करना होगा, ये किलोमीटर में आई है टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हमने यूनिट चेंज की थी घंटे में, तो ये किस में निकल के आई है, किलोमीटर में, तो वो हमें घंटे में चाहिए। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल दूरी कितनी है, 45/6। देखो जल्दबाजी मत करो, आराम से करो, एकदम परफेक्ट तरीके से। अब हमें जो टाइम दिया गया वो कितना है, 15 मिनट का है, 15/ कितना कर देंगे, 60। ये 60 क्यों लगाया, घंटे में चेंज करने के लिए। ये नीचे है मेरा टाइम और ऊपर है मेरी डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारी हो जाएगी क्या, औसत चाल, मतलब एवरेज स्पीड। कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होता है इसका, यहाँ पे कर दूँ या छोटा कर लेते, 15 × 15 × 15 = 60, तो ये 4 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर सिंपली, तो 45 × 6/2 में हो जाएगा कितना, 45 × 4/6। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते, 3 से काट लें, 15 × 3 = 45 होते हैं, 3 × 3 = 2 बार, 2 से काटेंगे, 2 × 2 = 4, 15 × 2 = 30, तो यहाँ से जो औसत चाल निकल के आएगी 20 किलोमीटर/आवर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर मिल जाएगा फर्स्ट में।
ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। तो सबसे पहले हमने टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस निकाली, फिर उसके बाद एवरेज स्पीड में रख दिया, सिंपल वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या दिया हुआ है। कोलकाता में एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% दूरी 50 किलोमीटर से प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शेष चलता है, तदनुसार उसकी औसत चाल कितनी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें टोटल डिस्टेंस माननी पड़ेगी। अब टोटल डिस्टेंस हम कितनी मान लें ये सबसे बड़ी बात है। तो टोटल डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 100 मान लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने टोटल डिस्टेंस लेट कर ली 100। अब 100 में ऐसे पहले वो चल रहा है कितना, 50%, तो इसका 50% कितना हो जाएगा जी, 50 चल रहा है। और 50 ये क्या है, ये डिस्टेंस है, याद रखना टोटल डिस्टेंस है डी, ठीक है। अब इसमें से 50% भाग में निकालूंगा तो 100 का 50% 50 होगा। अब 50 को वो चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 50 से भाग करती हूँ तो ये क्या बन गया मेरा टाइम। ऊपर क्या है ये डिस्टेंस है और नीचे क्या है मेरी चाल है स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकाल के देगा, टाइम। तो टाइम यहाँ पे कितना लगा भाई, 1 घंटा, ठीक है, प्लस कर लेते हैं। आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट टाइम पे आगे कितनी बोल रहा है, तो बोल रहा है 40 किलोमीटर की दूरी, मतलब 40%, तो 100 का 40% अगर हम निकालेंगे तो 40 होगा, और ये चल रहा है 40 के हिसाब से, तो भी कितना हो गया, 1+ हो गया, 1 घंटा लगेगा उसे। आगे देखें तो शेष दूरी कितनी बची, 50 चल रही है, 40 भी चल रही है, 50 और 40 90, टोटल 300, 100 में से 90 चल गया तो बचा कितना है 10, और 10 को वो चल रहा है 20 के हिसाब से, तो समय कितना लग जाएगा भाई, 1/2, 1/2 का मतलब कितना, 0.5 लिख देता हूँ मैं भाई, आधा ही तो है, आधा घंटा बोल सकते हैं। तो टोटल टाइम मिलाकर लगा कितना इन्हें, 2.5 आवर। तो इतना तो टाइम मिल गया टोटल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमने कितनी मानी थी, टोटल डिस्टेंस ये है। तो 100 एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 बट्टे में हो जाएगा 2.5, पॉइंट हटा दे, जीरो बढ़ा दे, 25 चौका 100 1 0, तो कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो सिंपल वे से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे टाइम निकालें फिर उसके बाद ऐड कर लें, बस एवरेज भी फॉलो कर लें, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़, सिंपल है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं और समझने की कोशिश कीजिए, नोट करने के पीछे मत भागिए, आप पहले समझिए फिर खुद करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आसान लगेगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। रिवीजन आप पीछे से करते चलें, जो जो चैप्टर आपने कर लिए अच्छा रहेगा कि आप साथ के साथ रिवीजन कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, ठीक है। सबसे पहले हम नोट करते चलते टोटल डिस्टेंस, तो सबसे पहले चल रहा है 600 किलोमीटर, ठीक है भाई, दूरी है डिस्टेंस लिख रहे हैं हम। आगे चल रहा है 800 किलोमीटर की दूरी, ठीक है भाई, आगे देखते हैं। फिर चल रहा है 500 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर चल रहा है 100 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, ये क्या है मेरी डिस्टेंस है, टोटल मिला के ये जो हमें दिया हुआ है डिस्टेंस दी हुई है। अब हम टाइम बनाने के लिए, हमें पता है समय निकालने के लिए दूरी बट्टे चाल चाहिए। अब चाल हमें दी गई है 600 के लिए, जो चाल है वो कितनी है, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लें 600 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बोला है 800 किलोमीटर की दूरी, थर्ड पे बोला 500 किलोमीटर की दूरी, फोर्थ पे बोला है 100 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हें ऐड कर लेते तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी, तो कितनी हो जाएंगी यहाँ से 800 और 600 हो गए हमारे 1400, 1500 और 500 2000, तो फाइनली ये हुआ हमारा 2000। तो हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं,
2000 किलोमीटर, ठीक है, ये तो हुआ टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर मैं समय की बात करूँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम मेरा क्या हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो स्पीड हमें पता है, स्पीड 600 के लिए स्पीड है 80 जी, 80 लिख दो बट्टे में, 800 के लिए जो स्पीड है वो देख लेते हैं, 800 के लिए स्पीड है 40 लिख देते हैं। आगे बोला है कि 500 के लिए जो स्पीड है 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 500 के लिए 400 लिख देते हैं। 100 के लिए अगर हम देखें तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 50 लिख देते हैं। अब हमें यहाँ से मिल जाएगा टाइम, सिंपली प्लस लगा दें, प्लस लगा दें, प्लस लगा दें, क्योंकि हमें टोटल टाइम चाहिए। तो देख लेते हैं, 100 चार से काटेंगे, 4 × 8 चार से 15, तो यहाँ से टाइम मिला मुझे 15/2 का, प्लस 0 × 0 = 4 × 8 यहाँ से मुझे टाइम मिला 20 घंटे का, 1/2 यहाँ से मुझे टाइम मिला 5/4 का, प्लस 50 × 2 यहाँ से मुझे टाइम मिला 2 का। अब हमें क्या करना है, सिंपली प्लस कर लेना है। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 मानो या मत मानो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, 2 और 4 एलसीएम हो गया, 2 × 4 15 × 30 हो गया, 144 4 × 8 हो गया, मतलब 80 हो गया, प्लस 4 × 4 5 हो गया, प्लस 144 2 × 8 हो गया। सिंपली प्लस कर लेंगे तो हमारा जो है टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। टोटल टाइम कितना आएगा देख लेते हैं, 80, 90, 100, 110, 110। तो ये हो जाएगा 123/4 आवर, यह हमारा समय निकल के आ गया। देखो टोटल डिस्टेंस हमें पता है, अब टोटल टाइम भी निकल के आ गया, तो एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं सिंपल वे में। तो एवरेज स्पीड अगर हम निकालेंगे तो एवरेज स्पीड के लिए इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हमारा 2000/123×4, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने पर वो कितना हो जाएगा, 65 सही ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं थोड़ी सी, 65 सही 5/123 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। यह हमारा जो है एवरेज स्पीड निकल के आ गई। तो टोटल टाइम बाय टोटल डिस्टेंस ये हमें तो निकालना पड़ेगा, जब जाकर ही हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में। और आप बोलो कि मैं एक जादू फेंक दूँ जिससे कि ये जो टाइम अपने आप निकल आए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो, क्योंकि ये हमें टाइम तो देखना होगा, आपके कैलकुलेशन के ऊपर है आप कितना टाइम सेव कर पाते हो, कितनी जल्दी इसे सॉल्व कर पाते हो, कितनी जल्दी इसे प्लस कर पाते हो, फिर तुरंत लिख पाते हो, ठीक है। स्टेप मिस करना, हाँ स्टेप मिस करना अच्छी बात है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाया, आप यहीं पे कर सकते थे अगर आप जल्दी करें तो, यहाँ से यहाँ पे भी कर सकते, ये दोनों स्टेप बच जाते आपके, सीधे 123/4 हो जाते। तो वही अगर मैं इतने से मैं बना देता छोटा छोटा लिख के, तो वो आपको आसान लगता। और मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा सही लिखता हूँ, बड़ा लिखता हूँ, जिससे कि क्लियर दिखाई भी दे। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा ध्यान से, 16 में क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, 30%, 60% शेष दूरी, ठीक है। 100 मान लीजिए, 100 के अकॉर्डिंग हम चल जाते हैं, तो 100 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस मानी, 100 में से पहले वो चल रहा है 30 किलोमीटर की दूरी, मतलब 30%, और कितने की चाल से, 20 की चाल से। आगे देख लेते हैं, 60 किलोमीटर की दूरी जो कि चल रहा है 40 के भाव से, आगे देख लेते हैं, फिर है 10 किलोमीटर की शेष, तो 60 यहाँ पे चली, 30 यहाँ पे बची कितनी, 10, और जो कि चल रहा है कितने के हिसाब से, यहाँ पे 10 के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो गया 1 घंटा, 1 आवर, प्लस 0 0 कट गई, 2 × 4 होते हैं 2 × 3 = 6, तो ये कितना हो गया, 3/2 हो गया, प्लस 0 0 कट गई, 3/2,
ये भी 3/2, ये भी 3/2, 3/2 का मतलब डेढ़, डेढ़ और डेढ़ कितना हो गया 3, 3 और 1 4, टोटल मिला के कितना हो गया 4 आवर, या आप प्लस कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा क्या निकला, टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस हमें पता है, ये क्या मेरी टोटल डिस्टेंस है। अब क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए 100/2 में आ जाएगा 4, 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, तो 25 किलोमीटर पर आवर हमारा एक्यूरेट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्या बोल रहा है, कैसे हमें सॉल्व करना है। हो सकता है आपका डाउट हो या फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, समझने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है। किसी आदमी ने 61 किलोमीटर की दूरी, मतलब टोटल मिला के जो दूरी है वो डिस्टेंस है 61 किलोमीटर की दूरी है, जैसे कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी मानी 61 किलोमीटर की है, टोटल डिस्टेंस जो मैंने मानी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 61 किलोमीटर, 9 घंटे में तय करता है। जो ये सफ़र है वो कितने घंटे में तय करता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 घंटे में, याद रखना 9 घंटे में ये पूरा ट्रेवल कर लेता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, जिसमें से कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे से और कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे से की चाल से तय की, तो पैदल की गई दूरी कितनी है। बस हमें यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिया, हमें डिस्टेंस अलग अलग निकालनी और पता नहीं वो इस 61 में से इतना भाग चल रहा होगा 4 से, बाकी का 9 से हमें क्या पता चल रहा है। तो हम यहाँ पे अगर हम चाहें तो बाई ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाई ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो एक चीज़ समझो, 9 घंटे में तय करनी है, ये अपनी जगह पर फिक्स है, दूरी अपनी जगह पर फिक्स है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, और हमें जो चाल दी गई है वो भी हमें पता है कितनी है, 4 और 9 है, मतलब दो चाल है हमारे पास, एक तो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल है, एक 9 किलोमीटर पर आवर की चाल है, लेकिन कितनी कितनी दूरी तय करना है ये हमें नहीं पता। तो वो हमें पता करने के लिए क्या करें, भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन उठा लेते हैं, जिसमें हमें कितना दिया गया है देख लेते हैं, 12। तो सबसे पहले 12 है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस 12 को 12 किलोमीटर, ये 12 जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या हमारी दूरी गिवन है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर की दूरी अगर वो, और ये किसकी गिवन है ये देख लेना ध्यान से, तो पैदल, पैदल वाले की गिवन है, मतलब 4 किलोमीटर वाले की। अब देखो यहाँ पे जो 4 किलोमीटर से मैं अगर इसे भाग कर दूँ स्पीड से, ऊपर देखो दूरी है, डिस्टेंस बाई स्पीड क्या हो जाएगा हमारा अगर हम देखेंगे, तो ये मतलब इसने 12 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर ली होगी, 3 घंटे में तय की, 3 घंटे में दूरी कितनी तय कर रहा है ये 12 किलोमीटर, जो पैदल वाला व्यक्ति है जी। अब 3 घंटे तो इसके निकल चुके हैं, अब 3 घंटे निकल चुके हैं तो बचे कितने घंटे भाई, टोटल तो 9 घंटे में तय कर रहा है, टोटल 9 घंटे में से 3 घंटे निकल चुके तो बचे कितने, 6 घंटे। अब 6 घंटे में ये जो है, 6 घंटे में ये जो है कितनी दूरी तय कर लेगा, कितने की चाल से, 9 की चाल से, क्योंकि अब तो भाई उसे दूसरी कंडीशन से जाना होगा, पहले 4 से चल रहा था अब 9 से चलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 9 6 54, मतलब 54 यहाँ पे चल गया, तो फाइनली प्लस करेंगे ना 54 किलोमीटर, ये भी 54 किलोमीटर है दूरी। अब यहाँ पर प्लस करने से हमें पता चल जाएगा कि टोटल मिला के कितना चल गया, अगर 61 आया तो सही है, 61 नहीं आया तो गलत है, 4 और 2 6 हो गया, ये तो पहले ही 6 आ गया तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो 66 किलोमीटर आ रहा है तो मतलब ये गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा हट चुका है। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, देखो जहाँ तक है आप लोग अगर करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो 16 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर है। अब 16 किलोमीटर को मैं ये देखूँ जो पैदल वाला व्यक्ति कितनी देर में चलेगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो चाक चौक 16 कितना आया भाई, 4 घंटे में तय कर सकता है, 4 घंटे में कितनी दूरी तय की, 16 किलोमीटर,
मैं वही चीज़ दोबारा लिख रहा हूँ जिससे क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो चार घंटे में दूरी तय कर ली 16 किलोमीटर। अब देखो जी, चार घंटे तो निकल चुके हैं, नौ में से चार घंटे निकल चुके हैं, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, जो ये वाली जो चाल है, उससे कितने घंटे तक चल सकता है भाई? 5 घंटे तक चल सकता है। और 5 घंटे में कितना चलेगा? 5 × 9 करने पर 9 × 5 = 45, तो मतलब 45 किलोमीटर ऐसे चल लेगा ये दूसरी कंडीशन से। तो फाइनली अगर हम देखें तो ऐड करने पे देख लेते हैं, 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11, 1 कैरी, 4, 5, 6, तो मतलब टोटल मिलाकर 61 किलोमीटर हो गया। अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं, हमारा जो आंसर है सेटिस्फाई हो गया। टोटल जो डिस्टेंस है वो सेम आ गई, 61 किलोमीटर 61 किलोमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब 16 किलोमीटर सेटिस्फाई है, एकदम परफेक्ट है। तो आंसर हो गया 16 किलोमीटर, नोट कर लीजिए। कुछ नहीं, पहले तो हमने देखा कि टाइम कितना टाइम लग रहा है, इतने टाइम में वो चल रहा है पहला वाला व्यक्ति 16 किलोमीटर, तो सीधी सी बात है जो रिमेनिंग वाली डिस्टेंस है वो 9 के हिसाब से चलेगा। तो रिमेनिंग हमने शेष बचा हुआ टाइम देखा तो 9 × 5 कर दिया, क्योंकि 9 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो 5 घंटे में कितना चल लिया? 45 टोटल जोड़ा तो 61 आया, ये सही हो गया। लेकिन इसमें गलत हो गया क्योंकि 66 आ रहा है, तो आंसर हमारा 16 किलोमीटर बिल्कुल सही है। और आप अगर नॉर्मल मेथड से जाओगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा, मतलब डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें दोनों डिस्टेंस में से कोई भी हिंट नहीं दी। अगर ये रेशियो दे देता दोनों डिस्टेंस का, इतने इतने पार्ट में डिवाइड, तो हम आसानी से कर सकते थे। लेकिन इसने कोई भी हेल्प नहीं की, मतलब ना इधर साइड ना इधर साइड, तो हमने अपने आप ही अपनी हेल्प कर ली कि भाई ऑप्शन के थ्रू कर लिया, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और रही बात डिसलाइक वालों की, भाई डिसलाइक जो करते हैं करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग जब मैं वीडियो डालता हूँ, वीडियो पब्लिश होती है हमारी, तो देखने से पहले ही डिसलाइक होता है एक, और वो मैं समझ सकता हूँ कौन करता है, ठीक है। हर किसी के हेटर होते हैं, चाहे कोई भी हो, हर किसी के हेटर होते हैं। तो मैं तो एक नॉर्मल सा टीचर हूँ, नॉर्मल सा आप लोगों का भाई हूँ, तो मेरे भी होंगे कुछ लोग, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस आप लोगों का प्यार काफ़ी है। आप लोग स्टडी करो, जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगले 40 किलोमीटर किस मोटरसाइकिल किस गति से तय करेगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल। अब यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड दे रखी है, तो आप यहाँ से दो तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। LCM लेके मैंने आप लोगों को सिखाया, तो मैं उससे पहले करना चाहूँगा। एक चाल हमें दी गई है, दूसरी चाल हमें पता नहीं है। अब देखो यहाँ पे LCM वाला मेथड क्यों लग जाएगा? देखो 40 किलोमीटर है और 40 किलोमीटर है, दोनों दूरी जो है वो कॉन्स्टेंट है, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर। तो और जो है हमें जो चाल दी गई है, एक चाल दी गई है, दूसरी पूछिए, 40 40 को तो हटा दो, उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कॉन्स्टेंट है। डिस्टेंस जो है यहाँ पर क्या है, मतलब सेम है, तो इसलिए हम इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही विश्वास करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी चाल के ऊपर। तो पहली चाल है 20, दूसरी चाल हमें निकालनी है। सबसे पहले LCM ले लें जी। LCM अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा, ठीक है। इससे डिवाइड करूँगा तो 20 तो कट जाएगा, बचेगा कौन? x। इससे डिवाइड करूँगा तो x कट जाएगा, बचेगा कौन? 20। 20 इंटू कर देंगे x, 20x बाई इन दोनों को योग कर लें तो 20 + x। लेकिन मैंने बोला है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि औसत चाल निकालनी है। अब ये समझ लो कि ये औसत चाल है, तो एवरेज स्पीड हमें दे रखी है वो कितनी है? 30। फाइनली इसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा जो आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, 0 से 1 0 उड़ा देता हूँ। ये कितना हो गया? 2 × 2 = 4x हो गया। 4x = 20 दिया हो गया 60 प्लस 3 और 3x। अब 3x अगर इधर जाएगा तो बचेगा कौन? x बचेगा, और कितना हो जाएगा? 60।
तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 60। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही मिल जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2xy बट्टे में हमें जो दिया एक्स प्लस वाई इंटू औसत चाल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ये इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, एक्स और वाई पहली और दूसरी चाल है, यही पैटर्न यहाँ पे है। देखो यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम कट जाता है, लेकिन ये सिर्फ पैटर्न 2 के लिए फॉलो होता है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं कराता हूँ, क्योंकि इससे 2 के लिए आप फाइनल निकाल पाओगे। फिर 3 अगर रेशियो हमें 3 चाल दे दी, फिर उसमें ढूंढोगे कि हम क्या लगाएं। तो यहाँ से हम एलसीएम के थ्रू कितनी भी चाल, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप सिंपल वे से यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। और 40 किलोमीटर की दूरी इसलिए नहीं ली क्योंकि दोनों जगह पर 40-40 है और वो कांस्टेंट है, इस वजह से, ठीक है। डिस्टेंस सेम होती तो उसे छोड़ देते हैं इस केस में। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने घर से चलकर कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी और जल्दी वाला ऑफर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो जो है 2 मिनट जल्दी पहुँच जाता है, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। तो डिस्टेंस बराबर मैंने आपको बोला था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, ऊपर तो करेंगे पहली चाल इंटू करेंगे दूसरी चाल, बट्टे में हो जाएगा क्या एक्स माइनस वाई, मतलब दोनों चालों का अंतर, और इंटू कर देंगे समय का, और समय जो होगा हमारा किस में होगा, घंटे में होगा, हमेशा घंटे में है तो अच्छी बात है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लेट और अर्ली का भी बताया था कि जल्दी और देरी होती तो उस केस में प्लस होता है, जल्दी जल्दी माइनस होता है, देरी देरी माइनस होता है। दो अगर सेम चीज़ें होती है तो वो माइनस होती है किसी भी चैप्टर में हो। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस, तो पहली चाल कितनी है हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो पहली चाल दी गई है 5 और दूसरी चाल है 6, तो 5 × 6 कर देंगे पहले, तो बट्टे में 5 और 6 के बीच में अंतर 1 का ले लेता हूँ, और इंटू कर दूँ समय। समय क्या है यहाँ पर, देरी और जल्दी देखना जरूरी है, तो पहले केस में तो 6 मिनट देरी है, दूसरे केस में 2 मिनट जल्दी है, देरी और जल्दी दोनों को ऐड कर लें तो 6 और 2 कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, 8 मिनट है, मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया बट्टे में आएगा 60। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा जी, 6 से काटेंगे कितनी बार, 10 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 × 2 = 10, 2 से काटेंगे 2 × 4 = 8, तो फाइनली बचता कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाता है 4 किलोमीटर, ये हमारी क्या है दूरी निकल के आ चुकी है कि नहीं, सिंपल। तो ये मैंने बेसिक में आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने बेसिक से स्टार्ट नहीं किया, स्टार्टिंग से नहीं देखी, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाने के बाद में टाइम एंड डिस्टेंस आपको दिखाई दे जाएगा, फर्स्ट वीडियो से सीरीज वे में देखिएगा, ठीक है, नोट कीजिए प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करना वो भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखिएगा, सिंपल वे में ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, एक कार 7-7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियाँ, ठीक है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। आप देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस दी हुई है वो 7-7 किलोमीटर की है, मतलब उसका कहने का मतलब ये 7 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर, ये तो हम मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कराया था, मतलब 11वां, तो वो सेम टू कॉपी क्वेश्चन है इसकी तरह।
चारों डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, डी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब सेम है, तो सेम है तो उस केस में हमें इससे तो कोई रोल लेना नहीं है, औसत चाल निकालनी है तो हम सीधे निकाल देंगे। सीधे निकाल देंगे कैसे, 10, 20, 30, 40, 60, 10, 20, 30, 60, ये तो वही वैल्यूज भी वही है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली यहाँ पे देख लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 10 से 6 बार, 20 से 3 बार, 30 से 2 बार, 60 से 1 बार, तो 60 बाई कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ 60 बाई करेंगे 6 और 3, 9, 10, 11, 12, 12 से डिवाइड करेंगे 12 पंजे 60 हो जाएगा। लेकिन 5 में मैंने बोला जितनी चाल है उतने का मल्टीप्लाई, या फिर जितनी वो दूरियां कवर करता है कांस्टेंट वाली उतने का मल्टीप्लाई, तो कितनी है भाई 4 है, 5 चौके 20, तो 20 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, पर आवर ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि क्या होगा एवरेज स्पीड होगी। अगर हम चाहें इसे उससे कर दें 2xy/x+y, उससे नहीं होगा, ठीक है, ये एकदम परफेक्ट है जिससे कि आप लोग आसानी से कर सकते हो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, 7-7 किलोमीटर यहाँ पे सेम रहे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे, ये 10 क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व भी कर लिए होंगे। चलते हैं फिर हम और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एकदम बिंदास तरीके से स्टडी कीजिए, ठीक है। और अगर आपका दिल करे तो कमेंट कीजिए, जो कुछ भी आपको सजेशन देना है अपनी तरफ से तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग शेयर नहीं करते तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, न्यू चैनल है इस वजह से हम आपसे फोर्स कर रहे हैं या फिर आपसे बोल रहे हैं वो इसलिए, ठीक है। हम भी यहाँ पर आप लोगों को स्टडी करा रहे हैं तो कुछ पर्पस से, या फिर हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं। सिर्फ मेरा जो मेन मकसद है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टडी कराना है, जो मैथ बिल्कुल सिखाना है, मुझे सिखाना है, कोर्स नहीं कराना है, सिखाना है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से सिखाना है, ठीक है, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। तो चलता हूँ फिर मैं, फिर मिला मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।